पिछले चार दशक से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगे हुए कांशीराम गोदारा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल जो है वो नोहर विधानसभा से ठोक दी है, क्योंकि कांशीराम गोदारा का इस बार माना जा रहा था कि उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी का मिलेगा, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट कट गया। तो आज उनके निवास स्थान पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया और उस महापंचायत में कांशीराम गोदारा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। कह सकते हैं कि कांशीराम गोदारा नोहर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन इतना जरूर तय हुआ है कि वो चुनाव मैदान में जरूर आएंगे। हमारे साथ उनके कुछ समर्थक हैं जो इस महापंचायत में आए थे, बातचीत उनसे करते हैं। पार्टी का लग रहा था कि इस बार टिकट कांशीराम गोदारा को मिलेगा, लेकिन इन वक्त पर काट कर पहले के जो प्रत्याशी थे उनको ही दोबारा टिकट दी गई। इस फैसले को लेकर नोहर विधानसभा की जनता क्या सोचती है, उनकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो समर्थक हैं उन समर्थकों में काफ़ी, मैं ये कहूँ कि अपना परिचय दे पहले। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, मैं राकेश खान बहरानी सिरा सर और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल पल्लू। मैं ये बताना चाहूँगा कि कांशीराम जी ने 35 सालों से रियल में जमीनी स्तर पर बड़ी शानदार मेहनत की और वो शानदार मेहनत का उनको जो परिणाम, जिनके वो हकदार थे, भी जो पैरासूटर जो लोग आए थे जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले जो पार्टी को ज्वाइन किया और वो ज्वाइन करने के बाद में उनकी अगर हम 10 साल के कार्यकाल की बात करें तो 10 साल में उनका कार्यकाल है वो जीरो रहा है। अगर हम 5 साल का कार्यकाल अगर चाचान साहब का देखें तो उनमें भी वो जीरो है। निश्चित तौर पर 100% जो टिकट के जो असली जो दावेदार जो हकदार थे वो कांशीराम जी गोदारा ही थे। आज जो ये महापंचायत हुई है और इस महापंचायत में तमाम जितने जो दर्शक आए हैं और उनके जो समर्थक आए हैं, उन दर्शकों ने और समर्थकों ने ये बात पूरे जोर से और बड़े हाथ ऊंची उठा के उनको कांशीराम जी को भरोसा और विश्वास दिलवाया है कि साहब आप मैदान में आइए, हम तन मन धन से आपके साथ हैं। कुछ वक्ताओं ने ये कहा कि यहाँ पर सेठ के आदमी इकट्ठे हुए हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा सर कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक हवा बनाई जा रही है। यहाँ तमाम से जब से लेके प्रोग्राम चला है और तब से लेके मैं मौजूद रहा हूँ, तकरीबन 2-3 घंटों का प्रोग्राम रहा है, मैं पूरे प्रोग्राम में साथ रहा हूँ। सेठ के कोई आदमी नहीं थे। मैं अब आपको इसमें आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो आपका ई समाचार जो चैनल है उसके माध्यम से बताना चाहूँगा कि दोनों टिकटें, भारतीय जनता पार्टी की टिकट और कांग्रेस की टिकट, दोनों टिकट को समेट कर भेजने का काम कांशीराम जी गोदारा की टीम करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जी, आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल जी, कांशीराम जी को टिकट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 30-35 सालों से मैं धन्य सिंह परिहार पल्लू भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष और पार्टी के अंदर शक्ति के अंदर संयोजक, लेकिन हम सारे कार्यकर्ता चाह रहे थे कि कांशीराम जी को टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन ऐन वक्त पर एक स्वाभिमान को टिकट न देते हुए धन बल पर है वो टिकट दूसरे कैंडिडेट को दी गई। कांशीराम जी गोदारा ने कहा कि ये लड़ाई जो है वो गरीब और धन्ना सेठों के बीच है, इस फैसले को कैसे लेते हैं? मैं पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से जितने भी कार्यकर्ता सारे खड़े हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा नाम महावीर जी मैला, गांव उजड़वास, मैं विधानसभा भादरा क्षेत्र से आता हूं, भूतपूर्व भादरा तहसील से गोगामणी मंडल का उपाध्यक्ष और 2.5 महीने से मैं चौधरी कांशीराम जी के साथ कार्यकर्ता के रूप में तय दिल से साथ में लगा हुआ हूँ और 2.5 महीने के अंदर कांशीराम जी को मतलब क्या आश्वासन दिया हुआ था, आला कमान का आश्वासन था, इस वजह से कांशीराम जी ने कितनी गाड़ियां लेकर के मैं मौजूद था। 2.5 महीने हो गए हमारे को, 150 गांव में हमने संघर्ष किया, सबसे जाकर के जनसंपर्क किया, सबको सबने ऐसे कहा कि चौधरी कांशीराम जी हमें कोई टिकट की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, आपको टिकट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, टिकट नहीं मिल जाएगी तो भी हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों तुमने यहाँ धरातल के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है, आप 15 साल की आयु में मतलब के यहाँ संघ के अंदर ज्वाइनिंग लेकर के किसान आंदोलन किया, आपने कितना बड़ा संघर्ष किया, एक साधारण से साधारण किसान को लेकर के, गरीब मसैया को लेकर के, आखिरी फुटपाथ तक जो पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी कांशीराम जी को दिखाई देता है, जो कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो वो भी दिखाई देता है, सबका साथ देने वाले, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस नारे के साथ में मैं साथ में था। कांशीराम जी ने 150.5 गांव में ऐसा प्रचार किया, ऐसे विस्तार के रूप में इस प्रकार से आह्वान किया कि देखो मैं कमल के फूल के साथ हूँ, निश्चित रूप से हमारे को बीजेपी पार्टी टिकट देगी और मैं प्रत्याशी हूँ, दावेदार हूँ, वो टिकट दे करके मेरे को प्रत्याशी बनाएंगे, आप हमारे को पुरजोर के साथ में सहयोग करोगे, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन अब टिकट नहीं मिलने के बाद वो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हम 1.5 महीने के अंदर
ढाई महीने के अंदर 150 गांव में जो संपर्क किया, उन सारे जितने भी वो नेता हैं, सब कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वर्ग हैं, वो सारे के सारे आप काशीराम जी के लिए आतुर थे। आज जो महापंचायत बुलाई गई, इस महापंचायत के लिए वो बड़े भारी प्यासे थे, इसका रिजल्ट वो देखना चाहते थे। हम सब ने इकट्ठे होकर के और काशीराम जी ने सब जितने भी कार्यकर्ता आए, जितने भी आए किसान आए, वोटर जो हैं, सपोर्टर भी हैं, उन सबका आशीर्वाद लेकर के, उनसे सबसे बात जान करके, राय मशवरा करके काशीराम जी ने तय किया है कि ये चुनाव मेरा नहीं है, ये पब्लिक का चुनाव है, तुम्हारा चुनाव है और तुम मेरे को साथ दोगे। इस मैदान में उतारने के लिए तुम मेरे साथ हो तो मैं डट करके चुनाव लड़ूंगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ कोई कांग्रेस वाला नहीं, बीजेपी वाला नहीं, मैं ये मानता हूँ, मैं कम से कम बहुत आज 7वां विधायक है मेरा काशीराम जी, मैं हमेशा से विधायकों के साथ रहा हूँ, अब हकीकत बात है वोटर और सपोर्टर के रूप में साथ रहा हूँ, तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है। जितने भी आए थे और भी बोलने का मौका, अगर बात करें कि एक मिनट बात करते हैं, काशीराम गोदारा के चुनाव मैदान में आ जाने से क्या प्रभाव नोर की विधानसभा में पड़ेगा? किसानों के मन में ये जुनून है कि पानी के लिए इनको चुना जा रहा है, पानी के लिए आंदोलन करने वाले सिर्फ और सिर्फ काशीराम जी गोदारा ही है, न कि कोई और है। पानी के लिए किसानों के लिए सही है जी, किसानों के लिए कितना प्रभाव पड़ेगा नोर विधानसभा? मैं ये कहूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो लोग इस जीत को लेकर आश्वस्त बैठे हैं, जो टिकट को लेकर आश्वस्त बैठे हैं, पत्रकार महोदय मैं आपको बताना चाहूँगा कि टिकट को लेकर आप जीत नहीं सकते, जब तक आप जनता के दिलों में राज नहीं करेंगे जब तक आप टिकट को नहीं जीत सकते। रही बात अभिषेक जी मटोरिया की, हम अभिषेक जी मटोरिया के साथ थे 10 साल, अभिषेक जी मटोरिया ने अपने जो समर्थक थे उन्होंने अपने समर्थकों की, मैं ये कहूं कि भी किसी भी तरीके से उन्होंने पैर भी नहीं की, उनके कभी वो सुख दुख में शामिल नहीं हुए। उनकी जानकारियां अगर 3 और 4 लोगों तक थी एक गाँव में, तो वो उनकी जानकारियां 3 और 4 लोगों तक ही सिमट के रह गई। तो फिर ऐसे नेता कि भला इस मैदान में भला कहाँ आवश्यकता, वो नेता जो मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप दबंगाई के साथ पेश नहीं आएंगे, काशीराम जी गोदारा में वो चीज़ है कि वो चीज़ दबंगाई से पेश करते हैं। और क्योंकि राजनीति आप जानते हो कि राजनीति में अगर आपके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके बल पर क्योंकि राजनीति में आना है, तो निश्चित तौर पर आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें सारी काशीराम जी गोदारा में मौजूद है। जी आप थोड़े समय में अपनी बात पूरी करेंगे। मैं सर पत्रकार महोदय साहब आपको ये कहना चाहता हूँ, टिकट को इतना बड़ा महत्व नहीं रखती, मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि बादरा तहसील के अंदर जयदीप जी डूडी 2008 के अंदर उनको मतलब क्या है कि बीजेपी की टिकट दी गई थी, टिकट बीजेपी की दी गई थी, उनको टिकट दे दी गई थी वसुंधरा के द्वारा दी गई थी, और टिकट देने के बाद में वो वहाँ से चले, शिकर आए, उनकी गाड़ी शिकर आई, पीछे से उनको टेलीफोन आया कि जोश साहब आपकी टिकट रद्द कर दी गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे को मंजूर है, आपने टिकट रद्द कर दी, लेकिन आपने मेरी तहसील की पब्लिक को तो रद्द नहीं किया, मैं जाऊंगा पब्लिक के अंदर, पब्लिक के जाने के बाद मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। उन्होंने आकर के, मैं भी खुद था, कार्यकर्ता के रूप में था, वोटर भी था, वहाँ आकर के उन्होंने सारी महासभा आज बुलाई, ऐसे महापंचायत बुला करके, और उन्होंने उस टिकट को हमारे सारे पैरों में फाड़ करके फेंक दी कि तुम हमारे माई बाप हो, टिकट कोई बड़ी नहीं, और अगर तुम मेरे को जिताना चाहते हो, खड़ा करना चाहते हो, तो मैं आपको चुनाव लड़ूंगा। 85,000 वोट आए, 35,000 से जीते, और वसुंधरा जी ने जो टिकट काट के दी वो शेर सिंह जी बेणीवाला, पता कर लेना, 5,000 वोट आए जी। ये हमारे साथ काशीराम गोदारा के निवास पर जुटे समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, इन्होंने अपनी बात ई समाचार पर रखी। आपको बता दें कि 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा जो है यहाँ से निकाली थी, और अभी अगर बात करें हनुमानगढ़ जिले की, तो यहाँ हर टिकट पर जो है बीजेपी में बगावत है, पीलीमंगा में बगावत है, संगरिया में बगावत है, और आज जो है नोहर में भी बगावत हो चुकी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के टिकट बांटने के फैसले को लेकर किसी भी कार्यकर्ता में जोश नहीं दिखाई दे रहा है, और कार्यकर्ता जो है वो निराश हो रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की कदर नहीं है, पैराशूटी प्रत्याशी जो है वो उतारे गए हैं, दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को टिकट थमा दिया गया है, लेकिन जो पिछले लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे लोगों को दरकिनार किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को है, और नोहर विधानसभा चुनाव में जो है प्रत्याशी मैदान में निर्दलीय रूप में उतर चुके हैं काशीराम। आने वाला समय बताएगा चुनाव किस ओर जाएगा, क्या समीकरण रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, आप ये वीडियो नोहर से इस समाचार पर देख रहे थे, मैं हूँ LD स्वामी, धन्यवाद।